हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन तिवारी और स्वागत करता हूं आपका निर्माण जीएस एकेडमी चैनल पर। हमने पिछली वीडियो पर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि को टॉपिक के बारे में बताया था, जिसमें हमने उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके आप लोग के लिए बताए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देख सकते हैं आप स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन, और मेरे सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है कॉपी पेन उठा ले और मेरे साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। और जिससे नहीं बन रहा है, जिनको दिक्कत जा रही है, तो कृपया उन्हें ध्यान से समझें, ठीक है, क्योंकि आपको बेहतरीन तरीका बताया जाएगा। आप केवल 10 से 15 सेकंड में आप किसी भी आंसर को ला सकते हैं, ठीक है। तो चाहे देख सकते हैं आप स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन, जिनसे बन रहा हो रिप्लाई करते जाएँ और जिनसे नहीं बन रहा हो केवल ध्यान से सुने। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, बोला है कि कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि कर देने पर उसे 84 रुपये में 8 पुस्तकें कम मिली, तो प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। बोला यदि 40% की वृद्धि कर देता है, 40% की वृद्धि कर देता है पुस्तकों में, तो 84 रुपये में 8 पुस्तकें कम मिलती हैं, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है पुस्तकों का, ये फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इसको। इसको करने से पहले एक तरीका मैं बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे आपकी वस्तु की दर हो गई, दर मतलब उनका रेट क्या है प्रति वस्तु, उनका आपका संख्या हो गई नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पास आपका आगे एक्सपेंस खर्च। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैंने 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कोई वस्तु खरीदी, कितने किलो खरीदी, 10 केजी खरीदी, तो आपका जो एक्सपेंस होगा कितना होगा, 100 रुपये का होगा। कितने का होगा एक्सपेंस, 100 रुपये का होगा। यदि बोल रहा है वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो यह 10% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। तो मतलब ऐसे भी कर सकते हो, यदि आपको देखना हो तो ऐसी वैल्यू ले ले जो कट जाए पूरी तरह। अगर मैं लिखता हूँ वस्तु के मूल्य में 50% की कमी कर दी जाए, ठीक है, वस्तु के मूल्य में 50% की कमी कर दी जाए, तो करेंगे कमी तो यानी 50% की कमी ही, तो वस्तु कितने रुपये किलो हो गई, 5 रुपये प्रति किलो हो गई। लेकिन आपका खर्चा 100 रुपये ही लगना चाहिए, खर्चा कितना लगना चाहिए, 100 रुपये ही लगना चाहिए। तो ये बताइए आपका 10, 5, तो ये संख्या कितनी वस्तुएँ आई होंगी आपकी, तो आपकी वस्तु आएंगी 20, 25, मतलब 20 किलो वस्तु आई होंगी। कितनी वस्तु आई होंगी, 20 किलो वस्तु आई होंगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि इनका रेशियो करूँ, इनका रेशियो 10/5 आता है, मतलब देखा जाए तो कितना आया इनका रेशियो, 2/1 आया। इनका रेशियो कितना है, 2/1 आया। यदि मैं इनका रेशियो निकालूं तो इनका रेशियो आएगा 10/20, मतलब देखा जाए 2/1 आया, सॉरी 1/2 आया। इनका रेशियो कितना है दोस्तों, 1/2 आया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली यानी इनके मूल्य का जो रेट है, इनके मूल्य का जो रेशियो है उल्टा होता है क्वांटिटी का, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाले, इनका जो आपका मूल्य का जो रेशियो है वो उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है क्वांटिटी का। यदि आप मूल्य के रेशियो कर दें तो उसको उल्टा कर दें तो क्वांटिटी का रेशियो निकल आएगा, ठीक है। तो इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे करने। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया है कि 40% की वृद्धि कर देता हूँ पुस्तक के मूल्य में, तो 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मूल्य मिली। 40% की कमी करना, मतलब 40% की बात करते हैं तो 40/ क्या होगा दोस्तों, 100, तो इसको लिख सकता हूँ 20 × 40, 20, 25, 100। ऐसे भी कर सकते कि 20% बराबर होता 1/5, तो 40% बराबर होगा 20 × 40, मतलब 2/5 होगा। तो 2/5 हुआ, मतलब यदि कोई पहली वाली पुस्तक 5 थी, पहले पुस्तक का मूल्य 5 था, तो 40% की वृद्धि हो गई, मतलब 5 में 2 बढ़े कितनी हो गई, 5 से 7 हो गई, ठीक है। पुस्तक के मूल्य पहले 5 था, अब कितना हो गया दोस्तों, ध्यान समझिएगा, 40% की वृद्धि मतलब होता है 2/5, 5 से पुस्तक का मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। तो क्वांटिटी भी इनकी कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी भी इनकी 7 से क्या हो गई दोस्तों, 5 हो गई। क्वांटिटी इनकी क्या हो गई, 7 से 5 हो गई, मतलब देखो घट गई क्वांटिटी, 5 से 7 हुई, तो क्वांटिटी 7 से 5 हो गई। तो बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि 84 रुपये में 8 पुस्तकें कम मिली, मतलब पहले 7 पुस्तकें थी, अब कितनी पुस्तकें मिल रही, 5 यूनिट कम मिल रही, मतलब इनका अंतर कितना आ रहा दोस्तों, इनका अंतर आ रहा 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर कितनी पुस्तकें, 8 पुस्तकें बोल रहा है, क्योंकि 5 पुस्तकें कम मिल रही हैं, 2 यूनिट बराबर 8 पुस्तकें, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा दोस्तों, 1 यूनिट का मान आएगा आपका 4 पुस्तक के बराबर, 1 मिनट के बाद 4 पुस्तक के बराबर। तो कितनी पुस्तकें मिल रही थी प्रारंभ में, 7 यूनिट, मतलब 1 कमान 4, तो 7 × 4 = 28 पुस्तकें मिलेंगी। पैर कितनी पुस्तकें मिलेंगी, 28 पुस्तकें, मतलब क्वेश्चन का कहना सीधा है कि 84 रुपये में 28 पुस्तकें पहले मिलती थी,
₹84 में 28 पुस्तकें पहले मिलती थी, तो एक पुस्तक की कीमत कितनी होगी? एक पुस्तक की कीमत होगी 28 * 84 हो जाएगी, कितनी आएगी? एक पुस्तक की कीमत आएगी ₹3। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम समय में जल्दी तुरंत कर दिया सकता है। ठीक है, आपको केवल मूल्य का रेशियो निकालना है और उनके मूल्य का अपोजिट आपको क्वांटिटी आएगा, 7 से 5 होगी, मतलब 2 का अंतर, 2 का मान आपका 8, 1 का मान 4, तो 7 * 4 = 28 पुस्तकें आएंगी 84 में, तो 28 पुस्तकें = ₹84, तो 1 पुस्तक का मान ₹3, बहुत ही जल्दी आंसर। ठीक है, चलिए सिक्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिसका भी आंसर ₹3 आया, बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, देख रहे हैं कि नेक्स्ट, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर ₹600 में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन का सीधा मतलब है कि यदि 20% की कमी होती है चीनी के मूल्य में, तो ₹600 में 5 किलो आपको अधिक चीनी मिलती है। ठीक है, 5 किलो अधिक चीनी मिलती है, तो कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत में कितने रुपए प्रति किलो किलो, तो मतलब चीनी का पुराना रेट निकालना है आपको। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल सा, 20% की कमी मतलब आपका 1/5, तो पहले चीनी का रेट 5 था, अब कितना हो गया? 5 से 1 कम हुआ, 4 हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 4 से 5 हो जाएगी, मैंने बताया था 4 से 5 हो गई, मतलब कितनी घट बढ़ गई? 1 बढ़ गई, तो 1 कमान कितना दिया दोस्तों? 1 कमान बोल रहा है यहाँ पास 5 किलो अधिक मिलती, 1 कमान कितना हो जाएगा? 5 किलो। तो बोल रहा है चीनी की कीमत में कमी होने से पहले चीनी, मतलब चीनी का पुराना भाव निकालना है, तो 1 = 5 तो 4 था, तो 5 * 20 किलो पहले चीनी कितनी खरीदा था? 20 किलो, कितने रुपए की दोस्तों? तो ₹600 की 20 किलो चीनी पहले खरीदा था, तो 1 किलो चीनी कितनी खरीदेगा? 1 किलो चीनी कितनी खरीदेगा आपका? 1 किलो चीनी खरीदेगा आपका ₹30। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ₹30 आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, यदि आपने ये तरीका बना लिया, कम से कम 5 सेकंड का आंसर सीधे डायरेक्ट आप 20% = मतलब 5 से 4 हो गई, 1/5 मतलब 5 से 4 हो गई, तो क्वांटिटी 4 से 5 हो, 1 कमान 5, मतलब पहले 20 किलो चीनी आती थी 600 में, तो 1 किलो कमान ₹30 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। जिसका भी ₹30 आया है, बिल्कुल सही। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते जाइए और आपका आंसर का जवाब करते जाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोला है कि एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, बढ़िया है। ठीक है, 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति ₹225 में 25 किलोग्राम ज़्यादा वस्तु खरीद सकता है, तो उस वस्तु की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी, ये फाइंड करना, मतलब पुराना मूल्य ज्ञात करने को बोला है। 10% की कमी हुई मतलब 1/10 थी, 10% के बराबर 1/10 मतलब पहले 10 थी, अब एक कमी हुई मतलब 9 हो गई, 9 हो गया मूल्य, मतलब क्वांटिटी सीधे 9 से 10 हो जाएगी, क्वांटिटी 9 से 10 हो गई, बोल रहा है यहाँ पर 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है, तो यहाँ एक दिख रहा, तो 1 कमान 25 किलोग्राम होगा, 1 कमान कितना होगा दोस्तों? 25 किलोग्राम होगा, तो 25 नहीं है, कितना हो गया? 225 किलोग्राम, 25 नहीं है, 225 किलोग्राम, मतलब 225 किलोग्राम खरीदता है कितने में? ₹225 में, यही बोला, ₹225 में 225 किलोग्राम खरीदता है, तो 1 किलोग्राम की कीमत बोला, तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी आएगी दोस्तों? ₹1 आएगी, बिल्कुल सही। जिसका भी ₹1 आंसर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह लगाते रहें, सीधे कुछ नहीं है, 1/10 मतलब 10 से 9 हुई, 9 से 10 आपका क्वांटिटी हो जाएगा, मतलब इनके बीच का 1 का अंतर, 1 कमान 25, तो 25 कमान मतलब आपका 25 नहीं है, 225 किलो आपकी चीनी आई, तो ₹225 में 225 किलो खरीदता था, तो 1 किलो की कीमत ₹1 होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जिसका भी आंसर ₹1 है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन, देख सकते हैं आप सभी लोग लगाएंगे। क्वेश्चन है, बोल रहा है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति ₹1 में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो उस कमी से पहले ₹1 में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था? बहुत ही बढ़िया, सभी लोग लाएंगे, मैंने तरीका बताया है, 10% की कमी हुई मतलब क्या हो गई? वस्तु 10 से 9 हो गई, तो मतलब क्वांटिटी 9 से 10 हो जाएगी, क्वांटिटी 9 से 10 हो गई, मतलब कितने का अंतर आया? 1 का अंतर आया, तो बोला 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता था, तो 1 का मान 50 ग्राम होगा, तो बोल रहा है यहाँ पास कि ₹1 में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, तो ये पुराना मूल पूछने के बाद एक में 1 = 50 ग्राम, तो 9 और यूनिट बराबर कितना होगा? 450 ग्राम,
तो कितना आंसर आया दोस्तों, 450 ग्राम गेहूं खरीदा जा सकता था। ठीक है, ठीक है, तो आपका 450 ग्राम आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए जिसका भी आंसर 450 ग्राम आया बहुत ही बढ़िया, इसी तरह बने रहे और वीडियो को लाइक भी करते जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, सभी लोग लगाते जाएं जिनसे ही बन रहा है, जिनसे नहीं बन रहा है वो कृपया ध्यान से सुने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर 320 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेते हैं। ठीक है, यदि रेट आपका 20% कम होता है तो 320 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी यदि खरीदा जा सकता है तो चीनी की मूल्य कितने रुपए प्रति किलोग्राम थे फाइंड करना। सिंपल सा, 20% कमी मतलब डायरेक्ट आपका 1/5 बोल रहा है, मतलब 5 से कितनी हो गई, अब 4 हो गई, 5 से 4 हो गया मतलब क्वांटिटी सीधे 4 से 5 हो जाएगी, मतलब कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो 1 बढ़ने पर कितना बढ़ रहा है इसमें दोस्तों, 1 बढ़ने पर बोला 5 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद रहा था, 1 बढ़ने पर 5 किलोग्राम बढ़ रहा है, 1 बढ़ने पर 5 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो चीनी की मूल्य प्रति किलोग्राम कितनी थी ये फाइंड करना। ठीक है, चीनी की मूल्य प्रति किलोग्राम कितनी थी, तो एक बराबर 5 किलोग्राम तो चीनी कितनी मिलेगी पुराने रेट के हिसाब से देखा जाए तो 5 × 20 किलोग्राम कितनी मिलेगी, 20 किलोग्राम मिलेगी, तो टोटल चीनी 20 किलोग्राम मिली कितने रुपए में दोस्तों, 320 रुपए में, 320 रुपए में आपको 20 किलोग्राम चीनी मिल रही, तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी आएगी दोस्तों, 1 किलोग्राम की कीमत आएगी 16 रुपए, कितनी आएगी दोस्तों 16। बहुत ही सिंपल सा, कुछ नहीं है सीधे, आप 20% बराबर मतलब 5 से 4 हुई तो 4 से 5 क्वांटिटी हुई, 1 का मान 5 तो 5 × 20 किलो कितने में, 320 रुपए में, तो 1 किलो का मान 16 रुपए आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, सभी लोग ला रहे हैं बिल्कुल सही 16 रुपए, जिसका भी आया बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरह का एक लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद ली, तो चीनी की मूल्य कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी, सभी लोग लगाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10% की कमी हो रहा है, 10% की कमी मतलब डायरेक्ट बोला 10 से चीनी कितनी हो गई, 9 हो गई, 10 से चीनी 9 हो गई मतलब क्वांटिटी सीधे 9 से क्या हो गई 10, कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, तो एक का अंतर आ रहा है। यहाँ पास क्वेश्चन बोल रहा है कि 270 में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद रहा है, मतलब 1 का मान कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा, तो मतलब 9 का मान कितना है दोस्तों, 9 किलोग्राम आया, 9 का मान दोस्तों जब 9 किलोग्राम है तो ये बोल रहा है 270 रुपये में, 270 रुपये में 9 किलोग्राम चीनी पहले खरीदी जाती थी, तो 1 किलो का रेट कितना आएगा दोस्तों, 1 किलो का जो रेट आएगा बराबर आएगा 9 × 27 30 रुपये आ जाएगा, 1 किलो का रेट कितना आया 30 रुपये आया। ठीक है, जिसका भी 30 रुपये आंसर आया बहुत बढ़िया, लगाते रहें और लाइक करते रहें, बने रहें सभी कोई। ठीक है, तो 1 किलो में 30 है, देखो कम से कम 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है, यदि मैं बायो मेथड लगाऊँ तो कम से कम 1-2 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, मैं 5 सेकंड, 3 से 4 5 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ये टाइप था, इस टाइप को जरूर ध्यान रखें, इससे इस टाइप से संबंधित एक क्वेश्चन आपका कभी कभी फंस जाता है, तो ये तरीके से आप जल्द से जल्द लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत के मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 96 रुपये में बेचा गया, अब क्वेश्चन के थोड़ा सा इसके कंटेंट लिख लेता हूँ, 96 रुपये में बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य कितना दोस्तों, 96 रुपये है, विक्रय मूल्य 96 रुपये है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या उसके लागत मूल्य के बराबर हो, मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि लागत मूल्य क्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो क्रय मूल्य यदि मैं x रुपये मानता हूँ, क्रय मूल्य x रुपये मानता हूँ, तो जो इससे लाभ प्रतिशत आएगा, लाभ नहीं लाभ प्रतिशत आएगा वो भी x प्रतिशत होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है लागत मूल्य का जो संख्यात्मक मान है लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर है, सभी लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं आप लोग सभी लोग, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा केवल 2 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड भी नहीं, आप
एक मतलब आपसे एक सेकंड से भी कम आप इसका आंसर लगा सकते हैं, एक सेकंड से भी कम, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, एक सेकंड से भी कम लगा सकते हैं, हमने देखा तुरंत आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, ध्यान समझिएगा, मैं पहले थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ क्या है। तो मुझे पता है लाभ प्रतिशत का मान जो दिया एक्स दिया है, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता, लाभ प्रतिशत बराबर होता लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कैसे निकलेगा कि तो लाभ हो रहा मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य में यदि मैं क्रय मूल्य घटाऊँ तो लाभ आएगा, तो लाभ बटे क्रय मूल्य एक्स है गुणे 100, यही होता है ना क्वेश्चन, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये आएगा 9600 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 100x आया, ये आपका आया एक्स स्क्वायर। मैं बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ा बेसिक जान लीजिए होता कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ सभी जीरो बना लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर ये आपका बन गया 100x प्लस का, ये बन गया -9600, ठीक है। अब इसका यदि मैं गुणनखंड करता हूँ, यदि मैं इसका गुणनखंड करता हूँ तो ऐसी वैल्यू लाओ जिसको ब्रेक करने पर, ठीक है, जिसको ब्रेक करें और जोड़े या घटाएं तो 100x आए और उसका मल्टीपल कितना है, प्रोडक्ट कितना है 9600 है, तो ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, ऐसी वैल्यू हो सकती है 16x96 मतलब 160x। अब यहाँ पर देखो 100x लाना है तो यहाँ -60x लाएंगे, इनको घटाएंगे, इनको प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 9600 आएगा और इनको जोड़े घटाएंगे तो आपका 100x आएगा। तो मतलब ये दो वैल्यू आई, ये दो वैल्यू है, मतलब इसका देखो, इसको मतलब पूरा सॉल्व कर लेंगे, सभी से बनता होगा सॉल्व करते, इसको जो पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू दो आएंगी, तो एक x की वैल्यू आएगी, जैसे ये प्लस का है तो ये x की वैल्यू एक माइनस का 160 आएगी और x एक x की वैल्यू आएगी प्लस का 60 आएगी। तो भाई यहाँ पर माइनस की वैल्यू तो हो नहीं सकती, क्रय मूल्य माइनस में नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी 60, तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन ये तरीका आपको बिल्कुल भी अपनाना नहीं, मैंने बेसिक बताया ऐसा होता है, क्या बताया था, बेसिक बताया ऐसा होता है, लेकिन बिल्कुल तरीका अपनाने, आप एक सेकंड से भी कम में आंसर ला सकते, देखिए क्या तरीका है, ठीक है। यहाँ से आप गुणनखंड ब्रेक करके आप आंसर निकाल सकते, एक एक्स की वैल्यू 60 आएगी, एक आएगी माइनस की 160, तो आपको माइनस वाली वैल्यू नहीं लेना। कैसे करेंगे इसको देखिए, बहुत ही बढ़िया, ये मतलब एक सेकंड से भी कम, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यदि 96 है तो 96 है तो हमेशा जब लाभ की बात करता है, ध्यान दीजिएगा, जब लाभ की बात करता है, जब लाभ प्रतिशत बराबर हो किसके, क्रय मूल्य के, जब लाभ प्रतिशत बराबर हो क्रय मूल्य के, तब क्या करना है, तो आप हमेशा ध्यान रखना है इनको ऐसे तोड़ेंगे, इनको ऐसे तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस हमेशा क्या है 10 आए, ठीक है। 96 को ऐसा तोड़े जिनका डिफरेंस क्या है 10 आए, तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ इसको, 16x96 इसको तोड़ूंगा, 16x96 इन दोनों को घटाने पर क्या 10 आ रहा है, बिल्कुल 10 आ रहा है, इन दोनों घटाने पर 10 आ रहा है। तो अब देखो इनके बगल में एक जीरो भी ऐड कर दूंगा, कर दिया 08, तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसी को चुनना है, तो सबसे छोटी वैल्यू 60 है, तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों 60 आ गया, ठीक, बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। कितना है दोस्तों 60 आपका आंसर आया, ठीक है। आप एक सेकंड से तुरंत आपको 96 दिखे, तुरंत आप माइंड में लगाइए ऐसा ब्रेक करें जो आपका डिफरेंस कितना है 10 आए, तो 16x96, तो इसमें बड़ी वैल्यू नहीं चुनना, हमेशा छोटा वैल्यू चुनना है, तो 6 चुनेंगे तो मतलब 60 आपका आंसर, एक जीरो चपका लेना बीच में, ठीक, लास्ट में आपको एक जीरो चपका लेना है इसमें, तो आपका 60 रुपये क्या जाएगा, क्रय मूल्य, इसमें एक बड़ी वाली वैल्यू लेके नहीं चलना है आपको, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसका भी 60 आया है बिल्कुल सही, और अगर आपको अच्छा लगे मेरा तरीका तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिए, बहुत ही बढ़िया तरीका था सर, ठीक है, सभी लोग लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, आप देख सकते हैं 144 रुपये में कोई वस्तु यदि बेची जाए तो जितना लाभ होता है वो उसका जो है जितना लाभ प्रतिशत आता है उसका मान क्रय मूल्य के बराबर, क्वेश्चन यही कर दो, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो उस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें, फिर से 144 आया, देखिए ध्यान रखिएगा 144 आया, ये देखो ये जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है हमेशा ये इनका टारगेट ही यही है, ठीक है, ऐसा इसमें बना के वैल्यू रहेगा जिसका डिफरेंस आपका 10 आने वाला होगा, तो ऐसा चुनिए 18x144 होता कि नहीं होता, इनको घटाने पर 10 आएगा, इनको घटाने पर 10 आएगा, सबसे छोटी वैल्यू क्या 8 है, मतलब 80 चपका दिया, आपका आंसर क्या आ गया 80 रुपये आ गया। कितने सेकंड लगे, एक सेकंड से कम लगा, ठीक है, 18x144 जो सबसे छोटी वैल्यू 8 है, तो एक जीरो चपका दी, आपका 80 रुपये क्या आ गया, आपका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है, सबको अच्छा लगा, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है, जिसका भी आंसर 80 रुपये आया तो लगाएं,
और बेहतरीन तरीका है, ठीक है, इससे अच्छा तरीका नहीं बता सकता कोई, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, और हमारे इस वीडियो में सभी जो मतलब जो नियमित स्टूडेंट रहते हैं, जैसे कंचन पाठक हो गई, ठीक है, और रश्मि शुक्ला, रश्मि गौतम हो गई, और भी स्टूडेंट हैं, तो इसलिए सभी लोग और भी आते रहें, और मैथ के वीडियो पर आप लोग रिप्लाई भी करते रहें। ऐसा नहीं कि आप आते हैं और भाग जाते हैं, तो ऐसे मैथ नहीं बनने वाले कि फिर बोलते हैं हमसे मैथ नहीं बनती। मैथ के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और वीडियो को देखिए, तब तो समझ में आएगी। मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया, इसमें तो एक सेकंड से भी कम आंसर आता है, तो आप इस तरीके भी नहीं देखना चाहते, आए और चले गए तो कैसे बनेगा आपको, ठीक है। और एक चीज़ और बात करता हूँ, जैसे जेल पहरी जो अभी अभी आई फिलहाल में, जिसके लास्ट डेट भी ख़त्म हो गई, सभी ने भर दिया होगा, मैं जेल पहरी की विशेष बात नहीं कर रहा हूँ, और भी अच्छे अच्छे एग्जाम हैं सभी के, तो उनमें ऐसे तरीके काम करते हैं, ठीक है। आप ऐसे तरीके जो क्वेश्चन आपकी सीरीज में लग रहे बन रहे, तो सभी जो आपके पेपर हैं पिछले, पूरे पिछले पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड आप जो क्वेश्चन मैंने धूड़ धूड़ के आप लोगों की सीरीज लेके आया हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बेफालतू क्वेश्चन है, मतलब जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वही बस पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए इसको देखें आप लोग, ठीक है। और मेरी गारंटी कि ऐसा नहीं क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, क्वेश्चन आप आएंगे और आप कहेंगे कि सर ने बढ़िया पढ़ाया था, ठीक है। तो चलिए, और इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। इसी के साथ ये आप लोग करते जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीका है। बोला एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, उसका लागत मूल का संख्यात्मक मान जो है लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो लागत मूल्य याद कीजिए। फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 39 रुपये, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 39 रुपये, सॉरी हाँ 39 रुपये, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से भाई लाभ की बात कर दिया है, तो ऐसा डिफरेंस लाइए जो डिफरेंस 10 हो, बिल्कुल जिस जो भी आंसर दे रहा है बहुत बढ़िया, सभी लोग इसी तरह आंसर देते रहे, और जो आपके टीम मेंबर है वो भी देते रहे, तो हमको हमारे मन लगे रहेगा, सभी लोग दें, तो 39 रुपये है आपका, तो 39 में ऐसा डिफरेंस देखिए जिसमें 10 हो, तो 13 3 39 आता है, कितना आता दोस्तों 13 3 39, मतलब 13 × 3 करने पर 39 आता है, इनका डिफरेंस भी कितना है दोस्तों 10 रुपये है। तो मैंने बोला सबसे छोटी वैल्यू चुनना है 3, इसके पीछे 0 चपका देना 30, तो आपका 30 रुपये क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। कितना लगा, एक सेकंड से कम लगा, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, जिसका भी आंसर आया सबसे बनना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अभी भागी मत, अभी ये तो लाभ वाले हो गए, ठीक है, ये तो लाभ वाले हो गए, अभी इसमें हानि वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बोल रहा है विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेची, जिसमें से उस घड़ी की लागत कीमत उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो सभी लोग करेंगे, मैंने अलग तरीका बताया, सभी लोग करेंगे इसका, बिल्कुल सभी लोग रिप्लाई भी दे रहे हैं, और देखते किसका आंसर सही, सब लोग करेंगे इसका आंसर, सभी लोग दें, गलत भी दे रहे हैं तो गलत भी दें, लेकिन इसका आंसर दें, ठीक है, सभी लोग दें, जितने भी हैं गलत दें तो गलत भी दें, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अंगिता अग्निहोत्री जी, सोनम जी, ठीक है, और मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये स्टूडेंट हमारे डेली रहते हैं, ठीक है, तो सभी लोग आंसर दें, आप गलत भी दें तो कम से कम ये तो लगेगा आपने आंसर दिया, एक बार प्रयास तो करें। तो जो आपका यहाँ पास क्वेश्चन है 75 रुपये, ठीक है, 75 रुपये में कोई वस्तु बेची जाती है, 75 रुपये में कोई वस्तु बेची जाती है, तो यहाँ पास वही कॉन्सेप्ट आया, लाभ प्रतिशत जो वैल्यू है क्रय मूल्य के बराबर है, तो डिफरेंस क्या लेना है, 10 लेना है, तो 15 × 75 कितना है दोस्तों, 15 × 75 आया, 15 × 75, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 10 आया, तो डायरेक्ट 10 जब डिफरेंस आया, तो आप ध्यान रखें इनमें छोटी वैल्यू क्या है, 5 है, इसके पीछे 0 चपका देंगे तो आपका 50 रुपये आंसर, एक सेकंड से भी कम लगा कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो 50 रुपये आपका आंसर, यही आपका बेहतरीन मेथड है। सभी को आनंद आ रहा ना, बिल्कुल लाइक करते रहें, शेयर भी ठोंके, सभी को शेयर करें, सभी लोग शेयर करेंगे अपने जाके, सभी लोग शेयर मार के आए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दिए और उनको ये फायदा मिल सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अब देखो, अभी तक हमने लाभ वाली बात की, इसमें लाभ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब इसमें हानि वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, हानि वाला क्वेश्चन सर लगा देंगे प्लीज स्क्रीन बोर्ड पर। हानि वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है, कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है, जिससे उसको जो हानि प्रतिशत होता है उसका मान क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब फिर यहाँ जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है
वो 21 रुपये है। विक्रय मूल्य क्या है? 21 रुपये है। यहाँ जो हानि प्रतिशत हो रही है माना x है, तो क्रय मूल्य भी आपका x होगा। कोला है देखो, अभी तक लाभ प्रतिशत की वैल्यू क्रय मूल्य के बराबर होती थी, अब हानि प्रतिशत का मान क्रय मूल्य के बराबर करने को क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। बेसिक कैसे करेंगे? तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य, तो हानि कैसे निकलेगा? तो क्रय मूल्य से छोटी है वैल्यू, क्रय मूल्य से छोटी है मतलब क्रय मूल्य से छोटी है विक्रय मूल्य, तो इसमें घटाएंगे तब तो हानि निकलेगा। तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 बराबर आपका हानि प्रतिशत आया, यही होता हानि प्रतिशत। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 100x माइनस 2100 बराबर एक्स स्क्वायर आया, तो यहाँ जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 100x प्लस का 2100 आया। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब देखो 2100 है, इसको ब्रेक करेंगे 100x को, जिसका प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव मतलब प्लस का 2100 आए और घटाएं जोड़े तो माइनस का 100x आए। मेरा यही क्वेश्चन आएगा, मैं इसको अब ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, माइनस का 70x और माइनस का 30x, तो दो वैल्यू आई, तो मतलब यहाँ दो मान आएंगे। देखो ये पॉजिटिव है तो प्लस का 70 आएगा, ये भी पॉजिटिव तो प्लस का 30, यहाँ दो मान आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? दो मान आएंगे। ये हानि वाले में एक ऐसा रहता है जिसमें दो वैल्यू आ रही है। कैसी वैल्यू आ रही है? दो वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू सही है, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सही है। तो मतलब यदि आप 70 रुपये भी लेंगे तो भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये कंडीशन फुलफिल करेगा। यदि आप 30 रुपये भी लेंगे तो ये भी कंडीशन फुलफिल करेगा, तो मतलब आपका आंसर भी दिया होगा क्वेश्चन पर। ठीक है, आंसर भी दो दिए होंगे, तो जिसने भी 70 और 30 लगाया बिल्कुल सही। देखो इसको कैसे करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से समझ रहे हैं। यहाँ से समझने के बाद क्या कि इन दोनों का सम 100x आ रहा है, इन दोनों का सम 100x आ रहा है, मतलब देखा जाए। अब इसमें कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे? कॉन्सेप्ट यहीं से क्रिएट होता है। देखिए अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है। अभी तब हम बोल रहे थे कि डिफरेंस 10 आना चाहिए, अब हम बोलेंगे इनका जोड़ एड, इनका एडिशन, इनका सम 10 आना चाहिए, इनका सम 10 आना चाहिए। मतलब इसको ऐसे ब्रेक करो कि जिसको जोड़े तो 10 आए, तो सात्रिक 21, इनके पीछे एक जीरो चपका दो, दोनों आपका आंसर होंगे, 70 और 30 आपका आंसर। कितना लगा? 1 सेकंड से भी कैंसर, आप कम समय में आपका आंसर। सबको मजा आया, आनंद आया, ये तरीका है बेहतरीन। ठीक है, इसको करेंगे आप 1 सेकंड मतलब देखते ही आप आंसर वाले तुरंत आपको माइंड में आया, 21 हानि मतलब 7 तरीके 21, तो 70 30 आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो 70 भी आएगा 30 भी आएगा, दो वैल्यू उसमें फुलफिल करेंगे, जबकि आपको उसमें एक ही वैल्यू फुलफिल करती है। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू निगेटिव चली जाती है, निगेटिव होती नहीं मान, इसलिए। सभी को आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी बने रहें, वीडियो बरकरार रखें इसी तरह, और लाइक शेयर ठोकते रहें बीच बीच पर। जो भी नए कैंडिडेट है तो उसको सब्सक्राइब भी करते रहे, जिससे आपको जैसे नया वीडियो आपका आया, देखो सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा, नया वीडियो जैसे आया, और बेल आइकन भी दबाते जाएँ, कोई भी हम नया वीडियो डालते हैं और उस पर आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। जैसे आपने याददाश्त भूल गए, जैसे 7 बजे तो आता ही हमारा लेक्चर, लेकिन आपने भूल गए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत, आपने जैसे नेट चालू किया तो आपको तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये फायदा रहता है, इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेची जाए, यदि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेची जाए जिस पर होने वाली हानि प्रतिशत उसके लागत मूल्य के बराबर है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 24 रुपये की बात करता हूँ, यहाँ पर 24 रुपये है, तुरंत हमारे कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हानि प्रतिशत की बात किया है, तुरंत इनका ऐसा ब्रेक करें कि इनका जोड़ क्या हो, 10 और 6 चाको 24, इनके बगल में जीरो चपका देंगे। क्या चपका देंगे दोस्तों? जीरो चपका देंगे, तो दो वैल्यू आएंगी 60 और 40, जिसका आंसर, ठीक है, जिसका भी 60 40 आंसर आया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी का आंसर आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा तरीका ही है, कुछ नहीं इसमें, तो 60 और 40 दो आंसर आएंगे। ठीक है, बहुत, सभी को मज़ा आ रहा ना, बिल्कुल रिप्लाई करते रहें, कैसी लगी क्लास सभी को, रिप्लाई करें, कैसी लगी आप लोगों को क्लास, कैसा लगा मेरा पढ़ाना। ठीक है, रिप्लाई करते जाएं सभी लोग। नेक्स्ट है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी संबंधित बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को 16 रुपये में बेची जाए, यदि किसी वस्तु को 16 रुपये में बेची जाए तो उससे होने वाली हानि प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको क्रय मूल्य बताना है।
ठीक है, यदि किसी वस्तु को 16 रुपए में बेची जाए तो उससे होने वाली हानि प्रतिशत हानि के क्रयमूल के बराबर है, तो आपको निकालना है इसका मान। तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए 8 दुनी 16 मतलब दोनों का ऐड करने पर 10 आ रहा है और 8 दो का ऐड करने पर आपका 10 आ रहा है, इनका प्रोडक्ट भी 16 आ रहा है, इनके बगल में 0 चपका देंगे, आपके आंसर होंगे 20 और 80। कितना समय लगा? 1 सेकंड से भी कम समय लगा ना, बिल्कुल ठीक है, 80-20 जिसका भी आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन लोग। हमने इस सीरीज को पूरा किया, दो तीन प्रकार के टाइप हमने बताया, ठीक है, सभी को अच्छा लग रहा, आनंद आ रहा है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया, बने रहेंगे अभी सभी लोग। हाँ, अब देखिए जो क्वेश्चन है स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका रिप्लाई सभी लोग देंगे, इस क्वेश्चन को भी करें जिससे बन रहा है, और जिससे नहीं बन रहा तो ध्यान से सुने क्या है इस क्वेश्चन का राज। अब बोला है 1 रुपए की 32 टाफियां बेचने पर, 1 रुपए की यदि 32 टाफियां बेची जाए तो एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है, ठीक है, वह 1 रुपए में कितनी टाफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, ठीक है, वो 1 रुपए में कितनी टाफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यहाँ पर फिर वो वाला कॉन्सेप्ट आया है, मैंने अभी जो है पहला क्वेश्चन बताया था कि मूल्य में, यदि मूल्य में क्या हो दोस्तों, मूल्य में आपका परिवर्तन होता है तो उसका जो रेशियो होता है वो क्वांटिटी के उनके रेशियो को जो उल्टा होता है क्वांटिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है, यहीं पर बोला 40% 20% की बात कर रहा है, 40% 20% की बात कर रहा है, तो देखिए कुछ नहीं, 1 रुपए में 32 टाफियाँ बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है तो 20% का लाभ हो, तो क्या करना है, 40% मतलब कितना हो जाएगा नुकसान, मतलब कितना बचा दोस्तों अपने पास, 60% बचा, 60% मूल्य बचा, नुकसान हो गया। अब एक मूल्य को बेच रहा 20% लाभ पर बेच रहा, मतलब कितना हो गया मूल्य, 120 हो गया, ध्यान समझिए कितना हो गया मूल्य दोस्तों, 120 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इनका रेशियो करता हूँ तो कितना आएगा, 60 दूनी 120, ध्यान समझिएगा इनका रेशियो कितना, 1/2 आया इनका रेशियो आया, ये मूल है ठीक है, इनका रेशियो आया कितना, 1/2 आया, तो इनके क्वांटिटी का रेशियो कितना आएगा, मैंने बोला क्वांटिटी का रेशियो उल्टा हो जाता है, 2/1 हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मूल्य 40% डिक्रीज हुआ तो कितना बचा दोस्तों, 60% बचा, ठीक है, और ये कितना आया, 120 आया, ठीक है, तो आपका जो 1/2 बना तो मतलब 2/1 होगा, 40% डिक्रीज होने पर 60% बचा, लाभ हो रहा है तो 120 हो गया, तो आपका मूल 1/2 रेशो आ रहा, तो इनका क्वांटिटी 2/1 हो रही है। तो बोल रहा पहले 1 रुपए में 32 टाफियां बेचता था, अब 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचेगा, तो देखो यहाँ 2 का मान कितना दोस्तों, 2 का मान है 32, 2 का मान है 32, तो 1 का मान कितना होगा, 16, तो मतलब 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचेगा, 1 रुपए में 16 टाफियां बेचेगा, 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचेगा दोस्तों, 16 टाफियां बेचेगा। बहुत ही सिंपल तरीका, सेम आपके पहले क्वेश्चन जैसा है कि देखो क्या है, जैसे 40% डिक्रीज हुआ तो 60% मूल्य बचा, अब 20% का लाभ होना मतलब 120% मूल हो गया, तो इनका रेशो 1/2 आया, तो इनके क्वांटिटी का रेशो 2/1 हो जाएगा, मैंने पहले 2 मतलब टाफी 32 थी, मतलब 2 का मान 32, तो 1 का मान कितना आएगा, 16, मतलब 1 रुपए में 16 टाफियाँ बिकेगी, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ऐसा रेशो इसलिए काम करता है क्योंकि यहाँ पर 1 रुपए की बात किया है, यहाँ पर जो खर्चा है वो खर्चा आपका फिक्स है, जब भी आपका खर्चा फिक्स हो तो ये आपका मेथड उसमें अप्लाई कर देना है। जैसे पहले क्वेश्चन में भी खर्चा फिक्स था कि आपका मूल्य घटा तो 200 रुपये में 5 किलो ग्राम चीनी यदि खरीद रहा था, वो खर्च कितना कर रहा था, 200 रुपये खर्च कर रहा था, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, सभी को समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन बोर्ड पर, आप सभी लोग लाएंगे ये क्वेश्चन। बोला है एक व्यक्ति संतरों को 1 रुपये के 12 संतरे बेचता है, ठीक है, 1 रुपए के 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है, तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। देखो फिर 20% का नुकसान मतलब आपकी वस्तु कितनी बची, 80% बची, बेचेगा उसको 20% का लाभ हो, 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, 20% का लाभ हो, मतलब मूल्य कितना हो गया, 120 हो गया। रेशियो कितना आया दोस्तों, रेशियो आया आपका 40 दुनी 80, 40 × 120, मतलब 2/3 का रेशियो आया, किसका दोस्तों, मूल्य का रेशियो आया, तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 3/3
दो क्वांटिटी का रेशियो 3/2 आया, मतलब जो है पहले संतरे 12 मिलते थे, मतलब 3 का मान 12, तो 1 का मान 4 आएगा, तो 2 का मान 4 दूनी, मतलब इसमें 3 का 4 का गुणा कराने पर 12 आता, इसमें 4 का गुणा कराऊँ 8, मतलब 1 रुपए के कितने संतरे बेचेगा, तो 1 रुपए के 8 संतरे बेचेगा। बहुत ही बढ़िया, कितने सेकंड लगा, मेरे को लग रहा 5 सेकंड का आंसर है ये, 5 सेकंड का, ठीक है। यदि आप इसको सोचने लग जाएंगे तो 2 मिनट तो खा जाएंगे आप इसका, और ज़्यादा स्पीड जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनका लगभग 1.5 मिनट, लेकिन यदि हमारा 5 सेकंड में हो रहा तो क्यों ना इसका उपयोग करें, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसमें यदि वैल्यू फिक्स है, यदि आपका खर्चा फिक्स है कुछ भी, ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट से आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसका भी आंसर आया है 8, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सभी लोग लगाएंगे इसको भी। बोला 40 रुपए के 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए उसे 24 रुपए में कितने नींबू बेचना पड़ता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाओ कि 40 रुपए में 45 नींबू बेचता था, अब 24 रुपए में कितने नींबू बेचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आप ये 24 रुपए को माइंड से हटा दो, 24 रुपए को निगलेक्ट करो, आप ये सोचो कि 40 रुपए में कितने नींबू बेचे कि उसको कितने का लाभ हो, 20% का लाभ हो, इसी रेंज से आपको आंसर निकालना है, फिर हम बताते करना क्या है, ठीक है, पहले ये आंसर निकालना है। तो देखो 20% की हानि हुई मतलब वस्तु कितनी हो गई, 80% हो गई, 20% का लाभ चाहिए मतलब वस्तु का मूल कितना हो गया, 120 हो गया, डायरेक्ट काटे रेशियो आया 40 दूनी 80, 40 तें 120, मतलब क्वांटिटी का रेशियो डायरेक्ट 3/2 हो गया, क्वांटिटी का रेशियो 3/2 हो गया। अब देखो तो मतलब पहले 45 नींबू आते थे जिसका मान 3 है, तो 15 तें 45, अब आपका नींबू कितना आएगा, 15 दूनी 30, कितना नींबू आया, 30 नींबू आया, कितने रुपए में, आपका खर्चा बराबर रहेगा 40 रुपए में 30 नींबू की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा 40 रुपए में 30 नींबू की बात कर रहा है। अब इसको बदल लो, 24 रुपए बना लो, अब देखो यहाँ पर 40 रुपए है, मैं 30 नींबू बिकते हैं, तो इसको 24 रुपए बना लो, आंसर वही कुछ नहीं है, 24, पहले इसको 0 काट लो, तो 24 रुपए बनाना है, तो 6 का गुणा यहाँ होगा, 6 का गुणा यहाँ होगा, तो 24 रुपए में कितने नींबू बेचे जाएंगे, 18 नींबू। इससे घबराने की बात नहीं है कि आप लोग घबरा गए कि 24 रुपए आ गया, यहाँ पर आपका एक्सपेंस बदल गया, तो कुछ नहीं है, पहले आप एक्सपेंस बराबर वाला तो निकालो, फिर आप उसको अपने अनुसार एडजस्ट कर लो, ठीक है। बढ़िया रहा तरीका, सबको अच्छा लगा ना, लाइक शेयर ठोकते जाए सभी कोई, और रिप्लाई करते रहें, ठीक है, कि सर बहुत मज़ा आ गया, ठीक है। तो 18 नींबू कितने रुपए में बेचेगा, 24 रुपए में बेचेगा, ठीक है। सभी लोग ने जिसने भी आंसर दिया है इसका, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, इसी तरह आंसर रिप्लाई करते रहें, सभी लोग आंसर दें, जिससे बन रहा है वो भी दें, जिससे नहीं बन रहा है वो भी दें, क्योंकि आप लोग नहीं बन रहा तो कम से कम प्रयास तो करें आंसर देने से, ये तो लगेगा कि हमने आंसर दिया, ठीक है, आंसर सही नहीं आया, इसलिए देखते भी जाएं, क्योंकि बनेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा तरीका ही ऐसा है कि आपको 5 सेकंड में आंसर मिलेगा, तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनेगा, मैथ सबसे बन जाती, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ, और थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस लाते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा, देखो हर टाइप के हमको क्वेश्चन पढ़ना, तभी तो हमारा एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है, कि मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको लगातार कराते रहूँ तो आपका आंसर आ रहा, बड़े खुश हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं, खुश होने की बात नहीं, हमको एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको हर टाइप मतलब प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है, और मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन आप देखते जाएँ तो प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है, क्योंकि कभी हम फिर इसकी सीरीज लाएंगे आपकी प्रॉफिट और लॉस की, लगातार 50 क्वेश्चन इस तरीके किसी वीडियो में दे देंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाएं और खुद ही प्रैक्टिस लगाएं घर में बैठ के, आप यहाँ केवल तरीका देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। बोला एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल पर बेचता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा सभी लोग, बिल्कुल मत भगने की कोशिश मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है तो उसको 16/2/3% का लाभ होता है, तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बड़ा कॉन्सेप्ट बताइए, ऐसे ऐसे दूध वाले भी हैं कि पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि पानी मिलाएंगे, ऐसा संसार में रोल दूध वाला नहीं जो पानी ना मिला के देता हो, दूध में पानी जरूर मिलाएगा, कितना वो कसम खा ले किसी की भी, ठीक है, जो भी बेचते हो, जो भी व्यापारी हो, उनको बुरा ना मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होता है, हमारे यहाँ खुद ऐसा होता है, ठीक है, तो पानी जरूर मिलाएगा, कुछ भी मिलाएगा लेकिन पानी जरूर मिलाएगा, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा कि दूध में पानी मिलाता है। देखो क्वेश्चन भी आपका कह रहा है, क्वेश्चन तक में आ गया कि ये बात कि पानी मिलाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, दूध में पानी मिलाता तो भी वो दूध को क्रय मूल पर ही बेचता है कि हाँ बिल्कुल शुद्ध दूध है, इतने रुपए रेट बेच रहा हूँ, लेकिन पानी मिला के वो अपना क्या करता है, लाभ कमाता है। तो लाभ कितने का होता है, 16/2/3% का लाभ होता है। मैंने लाभ का रेशियो निकाल लिया, 16/2/3%, इसका मान क्या होगा, 16 × 43 = 2/50, मतलब 1/6 आया। इनको याद कर लिया करो, जल्दी रहते, ठीक है। 1/6 का मान जैसे 16/2/3 है, तो निकाल भी सकते हैं, जैसे 16 × 43 = 2/50, जो 50 हटेगा नीचे 100, तो 50 × 3 × 6, तो 1/6 आया। 1/6 आया तो मतलब यदि 6 थी वस्तु, 6 थी तो वस्तु को एक फायदे में 7 में बेच रहा है, एक फायदे में 7 में बेच रहा है, मतलब फायदा कितने का कमा रहा दोस्तों, 1 का कमा रहा। ध्यान से सुनने के बाद 1 का कमा रहा, मतलब देखा जाए यदि देखा जाए कि मतलब देखो पानी मिला रहा, यहाँ पास पानी वाला कॉन्सेप्ट है, पानी वाला कॉन्सेप्ट है। यदि देखो कीमत की बात करता हूँ, मैं मानता हूँ दूध की जो कीमत है 1 लीटर = 1 रुपये है, दूध की जो कीमत है 1 लीटर = 1 रुपये है, तो उसने 6 लीटर दूध दिया सामने वाले को, 6 लीटर दूध दिया, कितने दूध दिया, 6 लीटर दूध दिया, लेकिन 6 लीटर की जगह 7 लीटर ले रहा हो, 1 लीटर वो पानी मिला चुका, उसने 1 लीटर क्या मिला चुका, पानी मिला चुका है, तो 6 लीटर मतलब 6 रुपये उसका खर्चा हुआ, 6 रुपये खर्चा हुआ, और 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता तो 7 लीटर मतलब 7 रुपये इसको दिया, मिला कितना, 7 रुपये। देखो 6 रुपये खर्चा कर रहा लेकिन मिल कितना रहा, 7 रुपये, तो 1 लीटर में पानी का पैसा जोड़ लिया उसने, तो 1 रुपये का क्या हो गया दोस्तों, उसको फायदा हो गया, 1 रुपये का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो यहाँ लाभ प्रश्न यहाँ पर निकालना क्या दोस्तों, हाँ तो मिश्रण से दूध का अनुपात बताना, तो मिश्रण से दूध का अनुपात, तो यहाँ पर मैंने इतना लंबा मतलब कोई निकाला कोई मतलब नहीं है, मिश्रण से दूध का अनुपात निकाला, तो मिश्रण कितना है दोस्तों, मिश्रण तो 7 है, दूध मिला इसमें और दूध कितना 6 है, तो 7/6 का रेशियो है, कितना है दोस्तों, 7/6 का है, ठीक है। तो मिश्रण और दूध का अनुपात 7/6, जिसका भी आंसर आए बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सभी लोग लगाएंगे, ये क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल पर बेचता है, दूध में पानी मिलाता है, 37.5% का लाभ कमाता है, तो दूध मिश्रण और दूध का अनुपात बिल्कुल सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट, ठीक है। कैसे करना है, 37.5% की बात करता है, 37.5% बराबर क्या होगा, 3/8 होता है दूध, ये सब याद कर लीजिए, पर ये रेशियो रेशियो, ठीक है, 37 × 74 = 75/100, 25 × 75, ये सब 3/8 डायरेक्ट याद कर लीजिए, 3/8 होता है, ठीक है, रेशियो। तो मतलब देखा जाए कि मिश्रण, तो मतलब आपका 8 था, 8 से 3 मिला कितना हो गया, 8 से 3 मिला 11 हो गया, मतलब मिश्रण कितना हो गया 11, और दूध कितना था 8, तो इनका रेशियो कितना है 11/8, बहुत ही सिंपल है, यही है सभी का आंसर आया होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरह अप्लाई करते रहें और चैनल पर बने, भागने की बात नहीं, भागिए मत अभी, भागने जो तो नहीं, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, ठीक है। 11/18 आपका ये आंसर है, सिंपल सा बिल्कुल, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल पर बेचता है, फिर वो क्वेश्चन आया है कि दूध में पानी मिलाता है और 12.5% लाभ कमाता है, ठीक है। दूध में पानी मिलाता है, 12.5% लाभ कमाता है, यदि मिश्रण की मात्रा 810 लीटर हो तो दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 12.5% का लाभ कमाता, 12.5% बराबर होता है 1/8, ये रेशियो आपको सब याद रख के रखना है, ये रेशियो सबको याद रखना है, इनका रिफ्लेक्शन डायरेक्ट, क्योंकि इतना समय नहीं कि आप लोग निकालते, 12.5% बराबर क्या होता है 1/8, तो 1/8 आया आपका, सभी लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मार्कर, रिप्लाई करें थोड़ा सा, 1/8 आया, ठीक है। मतलब आपका दूध 8 था तो अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया, मिश्रण आपका 9 हो गया, तो बोला मिश्रण आपका कितना दिया है, मिश्रण दिया है, हाँ सॉरी मिश्रण दिया है 810 लीटर, मिश्रण दिया 810 लीटर, मतलब कितना हो रहा है, 90 का गुणा हो रहा है, कितने का गुणा हो रहा है, 90 × 9 करने पर 810 आया है, तो इसमें 90 का गुणा करा दो दोस्तों, तो कितना आएगा, 720 लीटर आपका क्या रहा होगा, दूध रहा होगा, है सिंपल, कुछ नहीं क्वेश्चन में, बहुत ईजी है ज़्यादा, ठीक है। सभी लोग लगाए होंगे 720 लीटर, सभी का आंसर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन,
हाँ, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है और बोलता है उसे 14/2% का क्या हुआ, लाभ हुआ। यदि मिश्रण की मात्रा 320 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग, पाठक जी, कंचन पाठक जी, बिल्कुल आप भी आंसर दीजिए। आपके तो आंसर नहीं आ रहे हैं, बस शुरू में आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। आंसर भी दीजिए, जरूरी नहीं कि आप पीएससी की तैयारी करें तो मैथ भी थोड़ा बहुत सीख लीजिए, कभी कभी आ जाए, क्योंकि आपको दूध तो लेना पड़ेगा। तो दूध देखो पानी मिलाता, तो थोड़ा सा इसकी जानकारी आप लोग रखिए, ठीक है। तो 14/2% की बात करते हैं, 320 लीटर है, ठीक है। तो 14/2% इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन 1/7 हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/7, 14/7 98, 200 कट गया, 1/7 आया, ठीक है। अब बोल रहा है तो 7 था दूध, एक मिश्रण मिलाया कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ मिश्रण की मात्रा कितनी दी है, 320 दी है। मिश्रण की मात्रा 320 दी है, मतलब आपका 40 का गुणा कराने पर 320 आता है। तो यहाँ भी 40 का गुणा कराओ तो कितना आएगा, 280 आएगा। कितना है दोस्तों, 280 आया। ठीक है, सभी का आंसर आया होगा 280, बहुत बढ़िया। ठीक है, बने रहे, बरकरार रखे इसी तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सभी लोग लगाएंगे वाला क्वेश्चन, देखो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया आपका चेंजेस इसमें भी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके परीक्षा में देखा गया है अधिकतर। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की कोशिश करता है, यदि वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है तो उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है, बोल रहा है कि मैं तो भाई उतने रुपये का ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोला मैं तो तुमको उतने रुपये का ही सामान दे रहा हूँ, लेकिन बेईमानी कर देता है क्या दोस्ता है, तौलने में बेईमानी कर देता है। तौलने में ये बेईमानी करता है कि 900 ग्राम इसको देता है, कितना देता है, 900 ग्राम ही देता है कि, और बोलता कि मैं तुमको 1000 ग्राम दे रहा हूँ, मतलब 1 किलो दे रहा हूँ, वही हुआ दोस्तों 1000 ग्राम। बोला मैं तुमको 1 किलो ही दे रहा हूँ, लेकिन तौलता कितना, 900 ग्राम, और उतने ही रेट से बोला कि मैं रेट उतने ही तय कर रहा। जैसे अगर बात की जाए किसमें, इसने रेट लगाया, इसने खरीदा रहा होगा, मतलब 1 रुपये की, 1 रुपये प्रति ग्राम खरीद रहा, ठीक है। 1 रुपये कितना ग्राम, मैं यहाँ पर रेट लिखता हूँ, जैसे 1 रुपये का कीमत है, 1 रुपये बराबर 1 ग्राम, 1 रुपये बराबर 1 ग्राम। तो इसने बोला कि मैं 1 रुपये बराबर 1 ग्राम के हिसाब से जो मैंने क्रय किया था उसी क्रय में, उसी रेट में आपको दे रहा हूँ। तो ये बोला कि उसने 1 किलो सामान खरीदा, तो यहाँ पर 1000 रुपये की चीज़ को जिसने खरीदा है उसको भी 1000 रुपये की चीज़ दे रहा है, लेकिन तौल कितना रहा दोस्तों, 900 ग्राम तौल रहा है, 900 ग्राम तौल रहा है, मतलब उसका 900 ग्राम ही खर्चा हो रहा है, लेकिन उसको जा कितना रहा बोला है, उसको कितना बोला है, 1 किलोग्राम बता रहा है। तो 1 किलोग्राम ज़्यादा पैसा लिया कि नहीं लिया, कितना ज़्यादा लिया, उसको बता रहा है कि 1000 रुपये दो मेरे को, कितना दो, 1000 रुपये दो, ठीक है, क्योंकि उसने 1 किलो दिया, लेकिन दिया कितना उसको, 900 ग्राम ही दिया, तो 1000 रुपये ले रहा, तो मतलब कितना उसको फ़ायदा मिला, तो उसका तो खर्च तो 900 रुपये हुआ, दिया कितना उसको, 1000 रुपये, वापस किए तो कितने रुपये का फ़ायदा हुआ, 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है। 900 की चीज़ को 1 किलोग्राम तौल के बता रहा है, लेकिन वहाँ पर देखो 100 ग्राम का क्या कर लिया, फ़ायदा कर लिया, तो 100 ग्राम आपका क्या आया दोस्तों, लाभ आया। तो यहाँ पर लाभ बराबर होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। ये 0-0 कट गए, तो आपको जो आएगा 100/, तो 11/99 100 11/1/9% आपका क्या है दोस्तों, प्रॉफिट आया, ठीक है। जिसके अभी आंसर आया है, बहुत बढ़िया। ये तो आप लोग जिसने क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा एग्जामों में, और शायद सभी लोगों ने देखा होगा क्योंकि एग्जाम बहुत ही आ चुका है, ठीक है। तो 11/1/9 आपका आंसर आएगा, ठीक है। कुछ नहीं इसमें, केवल ये बोला कि 900 ग्राम की चीज़ को तौल के बताता है कि 1000 ग्राम तौल रहा, लेकिन 900 ग्राम तौलता मतलब 1000 उसको तौल के दे रहा, मतलब कहाँ का 100 ग्राम का क्या कर रहा, प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 ग्राम उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। फिर से एक क्वेश्चन बोला कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की कोशिश करता है, घोषणा करता है, यदि 1 किलो के स्थान पर 700 ग्राम का, फिर से वही क्वेश्चन, 700 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो डायरेक्ट आपको 300 ग्राम का चूना लगा दिया उसको, कितने का चूना लगाया, 300 ग्राम का चूना लगाया, मतलब 300 ग्राम का प्रॉफिट था, कितकर 700 पर गुणे 100,
अब क्वेश्चन में ये आ रहा है कि 700 ग्राम नीचे क्यों रखते हैं? भाई क्रैमोल इसलिए 700 ग्राम नीचे रखते हैं क्योंकि उसका खर्चा तो 700 ग्राम का हुआ, ठीक है। यही क्रैमोल वही होता है जो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो 700 ग्राम ले अपने हिसाब से यहाँ से जोड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपका आएगा 300/7% लगभग जो आपका आंसर आएगा, ठीक है। 700 ग्राम का चूना लगा, सॉरी 300 ग्राम का चूना लगा दिया उसको, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, आप लोग भी कभी फंसिएगा नहीं, ऐसे कुछ व्यापारी होते हैं जो इसी तरह चूना लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सभी का जो आंसर आया होगा लगभग, ठीक है। बोला, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, यदि वो तराजू का प्रयोग कर 25% लाभ कमाता है, तराजू का प्रयोग कर 25% लाभ कराता है, तो बताइए 1 किलो के वजन के स्थान पर कितने ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस की बात कर दिया उसने, ठीक है। यहाँ पर अभी तक हम लाभ निकालते थे, अब लाभ से बोल रहा है कितने वजन का इस्तेमाल करता है ये निकालना, ठीक है। कितने वजन तौलता है, तो 25% का लाभ हुआ तो डायरेक्ट आप फ्रैक्शन निकालो, 25% मतलब कितना आपका 1/4, 25% मतलब कितना 1/4, तो 1/4 की बात करता है तो मतलब 4 की वस्तु में एक फायदा कमाया मतलब 5, 4 की वस्तु बता रहा बेच कितने में रहा है, 5 में रहा है, तो 1 किलो के स्थान पर कितने वजन का, तो ये जो 5 का मान है ये कितना होगा 1 किलो, मतलब इसका मान किसके बराबर होगा 1000 ग्राम के बराबर होगा दोस्तों। 1 किलो तौल के बता रहा है 1000 ग्राम के बराबर होगा, लेकिन 4 तो 5 का मान 1000, तो 1 का मान कितना आएगा दोस्तों 200, तो 4 × 2 = 800 ग्राम, 4 × 2 = 800 ग्राम आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। सभी का जो इसमें 800 ग्राम आ रहा है बिल्कुल सही, ठीक है, इसी तरह करते जाएंगे आंसर्स। चलिए सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, यदि वो तराजू का गलत प्रयोग करके, ठीक है, तराजू में कहीं ना कहीं वो गलत क्या करता है, गलत तरीके से नापता है, तो 14/2% का लाभ कमाता है, तो 720 किलो के वजन के स्थान पर कितने किलो वजन का इस्तेमाल करता है। अब देखिए 14/2 जिसका मतलब होता है 1/7, तो मतलब 7 की चीज़ कितने में दे रहा है, 8 में दे रहा है, तो 8 मतलब 8 = 720 किलो बता रहा है, तो 1 का मान कितना होगा 8×90, तो यहाँ भी 90 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 630 किलोग्राम बता के 720 दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से रेट करता है। चलिए आज आपने इन क्वेश्चनों को देखा और मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ कि जो आप क्वेश्चन लगाए हैं आज, ये मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, सभी एग्जामों से मैंने छांट छांट के इन क्वेश्चनों को लाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़िए और एग्ज़ाम में आप इसको क्लियर करिए, ठीक है। तो आज मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, तो जब अच्छा लगा है तो हम लोग को निराशा मत करिए, इसलिए जब भी जाइए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे नए कैंडिडेट जो हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।